पंचायत प्रधान सुनील शर्मा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सुलियाली बाजार के सभी दुकानदारों के साथ बैठक की गई, जिसमें सरकार व प्रशासन द्वारा लगाई गई बंदिशों और दिशा निर्देशों के बारे में अवगत करवाया गया। पंचायत प्रधान ने कहा कि हम पंचायत में एक आइसोलेशन सेंटर बनाएंगे, जिसमें उन लोगों को आइसोलेट किया जाएगा जिनके पास घरों में अलग रहने की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे इस विषय पर जल्द ही एसडीएम नूरपुर से भी बात करेंगे। उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि वह अपनी दुकान पर किसी को भी बिना मास्क के सामान ना दें और गांव में किसी भी फेरी वाले को आने की इजाजत ना दें। अगर कोई जबरदस्ती आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। महामारी के चलते ये आपने सुरैली बाजार की बैठक रखी थी, जिसमें हमने सभी दुकानदारों भाइयों को बुलाया हुआ था और इस बैठक को हमने चार चरणों में किया। पहले चरण में हमने 20-25 लोगों को, एक एक चरण में 20-25 लोगों को बैठा के हमने इस विषय पर बात की कोविड-19 के चलते कि हमें अपने गांव में जो सरकार ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो सभी दुकानदार बंधुओं ने हमारा साथ दिया और उन्होंने बोला है कि हम पूरे प्रतिबंधों को अच्छे तरीके से लागू करेंगे। सबसे पहले तो नो मास्क नो सर्विस, इसको उन्होंने पूर्णतः लागू करने का हमें विश्वास दिया है, उनके लिए हम दुकानदार बंधुओं के बहुत धन्यवादी हैं। और दूसरा जो है कि हमारे गांव में कोई भी फेरी वाला एंटर नहीं करेगा, अगर कोई ज़बरदस्ती एंटर करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में एक आइसोलेशन सेंटर बने, उसके लिए हमारे दुकानदार बंधुओं ने बोला है कि हम पूरा सहयोग देंगे। जो लोग अपने घरों में आइसोलेट नहीं हो सकते उनको आइसोलेशन सेंटर में हम आइसोलेट करेंगे और वो आइसोलेशन सेंटर हम अपनी पंचायत की तरफ से ही बनाएंगे और उसको 2-3 दिन में हम उस आइसोलेशन सेंटर को माननीय एसडीएम साहब से मिलके उसको बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भी कोई, भगवान ना करे, जो भी कोई हमारे गांव में पॉजिटिव आता है उसको आइसोलेट हम आइसोलेशन सेंटर में करें।